नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। खबर आई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़े सिंचाई घोटाले के 9 मामले हटा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा कि ये उनसे जुड़े हुए मामले नहीं थे। आखिरकार क्या सच है और क्या झूठ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परंजय। तो ये मामला क्या था और डिप्टी सीएम बनने के बाद इसे निपटा कैसे दिया गया? पहला बात अजय कि ये खबर का सूत्र ANI एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये खबर का एजेंसी है और उन्होंने वही खबर में महाराष्ट्र सरकार का जो भ्रष्टाचार विरोधी जो विभाग है एंटी करप्शन ब्यूरो, उनका एक वरिष्ठ अधिकारी सीनियर ऑफिसर परमबीर सिंह कह रहे कि इसके साथ अजीत पवार का कोई संपर्क नहीं है। तो क्या मैं विश्वास करूं या नहीं विश्वास करूं, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि साथ साथ कांग्रेस का प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुछ कह रहे कि वो अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप कौन, देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था, और संजय राउत जो शिवसेना का प्रवक्ता है वो ये भी कह दिया कि अजीत पवार का डर था कि वो जेल में चले जाएंगे, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रही। मैं नहीं, उन लोग कह रहे। और देखिए, चुनाव का पहले देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा, एक बार नहीं बार बार, वो आपको याद है 75 साल में वो जो बहुत लोकप्रिय एक चलचित्र था शोले, उसमें एक लाइन था जेल के अंदर जाके चक्की पीसेंगे, वो बोला कि हम सत्ते में जब आएंगे अजीत पवार चक्की पीसेंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। हाँ, और NCP जो राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP का मतलब क्या है, नेचुरली करप्ट पार्टी, यही देवेंद्र फडणवीस के लोग ने कहा। नेचुरली करप्ट पार्टी का मतलब क्या है कि प्राकृतिक रूप से वो भ्रष्ट है। तो आज इनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया। तो देखिए, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा केस खारिज किया या नहीं किया, क्योंकि ये जो घोटाला है, ये सिंचाई का जो अलग अलग सिंचाई का कार्यक्रम का जो घोटाला है, ये बहुत पुराना है। कम से कम 3000 मामला केस चल रहे हैं, कम से कम 20 FIR है। तो कौन 9 केस बंद कर दिया? और ये भी कहा कि ये इसको कहते ओपन इंक्वायरी, कि ये जांच चल रहा है, मगर अभी भी अगर नया कुछ सूचना आ जाता है दोबारा शुरू हो सकता है केस। खबरें तो यही आ रही हैं कि जो अजीत पवार से जुड़ी हुई जितने भी मामले हैं उनको बंद कर दिया। देखिए, ये समय बताएंगे कि हमें तो मालूम नहीं है कौन सा केस है, ये बहुत बड़ा एक घोटाला था। और मैं नहीं, देवेंद्र फडणवीस का सरकार 2014 में सत्ते में आने के बाद उन बहुत वो जब सत्ते में आया कुछ दिनों के बाद भी जांच शुरू कर दिया और कहा कि ये 70,000 करोड़ का एक घोटाला है, एक नहीं कम से कम 32 ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ इन्होंने कहा 13,500 करोड़ का सिंचाई का जो प्रोजेक्ट है सर, वो जहाँ पे सूखा का समस्या है विदर्भा इलाका में महाराष्ट्र में, जिस समय अजीत पवार सिंचाई मंत्री थे और बाद में आप भूलिए मत उनको इस्तीफा दे दिया उन्होंने, क्योंकि उनके खिलाफ बोला कि आप जब सत्ते में थे आप 3 महीना में हड़बड़ी में ऐसे 32 ठेका लोगों को, आपके दोस्तों को, ऐसे जो आप पहचानते हैं ठेकेदार को आपने दे दिया, ऐसे लोग को दे दिया, और ये एक एक प्रोजेक्ट का जो दाम है ये 17,000 करोड़ बढ़ गया, और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया कि ये ठेकेदार को पैसा मिला, लोगों का जेब के अंदर पैसा मिला, और एक एक महाराष्ट्र का जो राज्य का एक आर्थिक समीक्षा है वहाँ पे बोला कि जो वहाँ का जो सिंचाई का व्यवस्था है कुछ बढ़ा भी नहीं, कि बाद में एक नया एक श्वेत पत्र आया वो बोला नहीं नहीं अजीत पवार जी के समय कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, फिर अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री बन गए। तो देखिए, कौन सच बोल रहे कौन नहीं बोल रहे ये समय बताएंगे, मगर दुख का बात है आज एक माहौल हो गया कि लोग समझते हैं कि जो आज सत्ते में है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, और जो सत्ताधारी जो पार्टी है या गठबंधन है उनका जितने राजनीतिक जो दल है उनके खिलाफ है, सारे आयकर विभाग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तरह से एक हथियार बन गया, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ये मामला 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी रैलियों के दौरान कहा था कि चक्की पीसेंगे पीसेंगे जब हम सरकार में आएंगे, तो 5 साल हो गया
और जैसे ही उनको अवसर दिखा कि डिप्टी सीएम बन गए, वैसे हटा दिया। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि समय बताएंगे कौन सा केस है, ये 9 केस है, इसमें सचमुच अजीत पवार जी के समय में ये ठेकेदार को ये ठेका मिला कि नहीं, ये समय बताएंगे, हमें मालूम नहीं है। क्योंकि यही जो सूत्र से ये खबर आ रहे वो भी कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, इसके साथ अजीत पवार का कोई संपर्क नहीं है। और क्या 3 दिन हुआ उप मुख्यमंत्री बना। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो बाद में हमने कहा ये पैसा का खेल चल रहा है। देखिए और प्रफुल्ल पटेल जो हमारे देश में सिविल एविएशन मंत्री थे केंद्र सरकार में, उनके खिलाफ भी एक ईडी का छप्पा लगा। आप भूलिए मत जिस समय अजीत पवार और शरद पवार के ऊपर भी लगा, महाराष्ट्र राज्य का जो समन्वय का जो बैंक है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वहां भी कह रहे कि 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और देखिए ये समय बताएंगे। और ये भी कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल जी एक मकान के साथ उनका पारिवारिक एक संस्था है, कंपनी है, बोल रहे हैं इसके साथ वो इकबाल मिर्ची का परिवार वाले संपर्क है, और इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम का दोस्त है। और फिर दूसरी तरह से एक और कंपनी का नाम आ गया, RKW डेवलपर्स। ये एक कंपनी जो डूब गया, DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इनके साथ संपर्क है। और ये RKW डेवलपर्स, ये दीवान हाउसिंग के साथ संपर्क है, कोबरा पोस्ट में जनवरी में ये सूचना आया। फिर कुछ दिन पहले रोहिणी सिंह वायर वेबसाइट में लिखा कि यही कंपनी RKW डेवलपर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मोटा पैसा दान किया, 10 करोड़ रुपए, वो उनकी साइट पे उपलब्ध है। हाँ, और ये सब लिखित रूप में है। तो देखिए आज महाराष्ट्र में पैसा का खेल चल रहा है, कौन किसको खरीद सकते हैं, कौन दल बदलाएगा, कौन अचानक बीमार पड़ जाएगा, कौन विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे उस दिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, कौन अचानक कहीं भाग जाएगा, कौन रिजॉर्ट में कौन है, ये खेल चल रहे। और देखिए बहुत ही दुख की बात, रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है, वो केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने भी कहा ये मुंबई है भारतवर्ष का फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि राजधानी है, पैसा का राजधानी है, और इसके ऊपर नियंत्रण के लिए ये सारी चीज़ हो रहा है। और ये सच है, ये देखिए खेल, ये पैसा का खेल चल रहा है। आप देखिए थोड़ा हट के पीछे देखिए, शिवसेना और आपका क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच क्यों विवाद हो गया। लोग कहते हैं कि ये बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन किसको ठेका मिलेगा, इसके ऊपर विवाद चल रहे। और BMC बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, भारत में जितने ऐसे जो जो नागरिक का जो जो नागर पालिका है, सबसे ज़्यादा पैसे इनके पास 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सब आज चल रहे सिर्फ पैसे का खेल। आपसे अंतिम सवाल, आप तो बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं अर्थ जगत की, तो जब डिप्टी सीएम कोई बन गया उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो ED, CBI, एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी संस्थाएं क्या उसकी छानबीन कर सकती हैं कि उसके सामने घुटने ही टेक देती हैं? हमेशा संस्थाएं पूरी तरह से मर चुकी हैं। दुख का बात कि यही हो गया आज का हालत, और ये केंद्र सरकार में भी हो रहे। आप देखिए अगर आप सरकार का खिलाफ है तो पक्का आपके पीछे आयकर विभाग लगेगा, CBI लग जाएगा, ED लग जाएगा। मगर आप अगर सत्ते में हैं, ये केस चलता रहेगा, साल भर चलता रहेगा, दशक भर भी चल सकता है जितने दिन आप सत्ते में हैं। तो ये सारे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, जो कानून को जो 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 लागू करने का जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे आयकर विभाग है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, CBI है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सब ये एक तरह से जो भी सत्ते में है इसको एक राजनीतिक हथियार बन जाते हैं उन लोग के लिए, तो उनके विरोध में जो लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। शुक्रिया इस पर हमसे बातचीत करने के लिए। जाते जाते अजीत पवार ने एक बार कहा था कि अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करूं मैं, ऐसे लोग भी नेता बन जाते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। We'll be right back.